परंतु अब जब पुत्र को थोड़ा कष्ट मिला है तो उसकी रक्षा के लिए अपराजिता यज्ञ करवाना चाहता है। अपने पौत्र के कारण ये यज्ञ मैंने ग्रहण करके भगवती के चरणों में स्थापित कर दिया है। विश्राम करने से और उपचार से धीरे धीरे कल्याण प्राप्त होगा। और शुभ फलों की प्राप्ति होगी। हे शुक्र, जसवंत नामी मेरा भक्त मेरे आशीर्वाद का अधिकारी है। बहुत से जो भक्त मुझे प्रिय भी होते हैं, मुझे प्रिय भी होते हैं, परंतु कभी कभी वे मेरे निर्देशों को नहीं मानते हैं। शल्य चिकित्सा के लिए बहुत समय पहले मैंने निर्देश प्रदान किए थे, शल्य से बहुत से जीव भयभीत होते हैं। तब वे प्रार्थना करने लग जाते हैं कि शल्य के बिना ही प्रभु मुझे ठीक कर दो। परंतु यो रोग अथवा शल्य की क्रिया है, वह कई बार आवश्यक होती है। यदि पहले शल्य को करवाते तो शीघ्र लाभ हो जाता,
और विलंब से आकर करवाने से भी अपराजिता मंत्र मूल मंत्र के स्मरण से भगवती की कृपा से कल्याण हो शुद्ध जन अधिक से अधिक सेवन करते रहें। एक तुलसी पत्र भी जब तक सेवन कर सकें तो करते रहें। आज इस भक्त के पूजन सत्यलोक में स्थापित कर दिए हैं। जहां पर प्रकाश रूपी पार ब्रह्म परमेश्वर का निवास है, इस प्रकार ये पूजन सफल हो गए हैं और भगवती की कृपा से आगे भी कल्याण मिलता चला जाएगा। इस काल में ये आशीर्वाद वचन मेरे द्वारा प्रेषित कर दिए गए हैं। बोलो प्रभु जी महाराज की जय। हर बार एक पत्ता दो सीधा भी सारे देने की कोशिश।